आज हम सुजुकी जिक्सा 250 का ग्राउंड क्लियरेंस चेक करने निकले हैं। बाहर कड़ी धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ। कुछ टेस्ट करने की मैंने कोशिश की है और आगे भी कुछ करने की मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं कितना सफल होते हैं हम। तो चलते हैं सुजुकी जिक्सा 250 का ग्राउंड क्लियरेंस चेकिंग वीडियो की तरफ। तो हम एक ऐसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर आ गए हैं जहां पे मोस्ट ऑफ द व्हीकल का बेली स्क्रैच करता है। आपको हम क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बम्पर है, ये शायद कैमरे में आपको इतनी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना ऊंचा है ये बम्पर। तो आप देखिए, इसके ऊपर पूरा स्क्रैच मार्क्स लगे हैं और डीप स्कार्स है इसके ऊपर, मतलब कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर बेली स्क्रैच होता है व्हीकल्स का। तो ये बहुत ही एक ऊंचा स्पीड ब्रेकर है। जैसे कि आप देखिए, टीवीएस का एंटॉर्क जो है इसके ऊपर से जब जा रहा है, क्लियरली इसका बेली स्क्रब हो रहा है और बहुत जोर का साउंड आ रहा है। हम आपको स्लो मोशन में क्लोज व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बुरी तरीके से इसका बेली जो है स्क्रैच हो रहा है, साउंड भी आ रहा है स्क्रैचिंग का, स्क्रबिंग का। और अभी एक होंडा हॉर्नेट को देखिए, ये होंडा हॉर्नेट भी पूरी तरीके से स्क्रैच करके गया है। देखिए पूरा बेली इसका स्क्रब करते हुए गया है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से। अभी ये एक्टिवा भी देखिए, इसका जो सेंटर स्टैंड है ये भी स्क्रब करते हुए गया है, साउंड आया है। और अभी कुछ व्हीकल्स तो इसके ऊपर से जाता ही नहीं है, साइड से जाता है। ये स्पीड ब्रेकर इतना ऊंचा है, आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा है स्पीड ब्रेकर, देखिए। और ये है KTM RC, देखिए ये कितने धीरे से इसके ऊपर से गुजरा और तब भी इसका बेली एकदम स्क्रैच होने की कागर पर था। मतलब कि अगर ये नॉर्मल स्पीड से इसके ऊपर से गुजरना चाहता था तो बेली बुरी तरीके से स्क्रब हो जाता। तो देखिए TVS Ntorq, होंडा एक्टिवा, होंडा हॉर्नेट, KTM RC, ये सभी का बेली जो है यहाँ पे स्क्रब करता है, स्क्रैच करता है। और ऐसे करके पूरे दिन में जितने भी व्हीकल्स जाता है, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स का बेली यहाँ पे स्क्रब होता है, स्क्रैच होता है। और इसका डीप मार्क इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर आपको दिखाई देता है। पर सुजुकी जिक्सा 250 जो है, इसको लेके हम बार बार इधर उधर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी नॉर्मल स्पीड में, जैसे कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाया जाता है। बिल्कुल भी मैं धीमा नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड जैसे कि ब्रेकर के ऊपर से स्पीड मेंटेन करके जाना चाहिए, वैसे स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में हम जा रहे हैं। कोई भी बिल्कुल भी हम धीमा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर रहे हैं। आप देखते रहिए कि इसका बेली जो है ये ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। जब इसके ऊपर से नॉर्मल स्पीड से हम इसको लेके गुजर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका बेली बिल्कुल ही ऊपर है, इसके ऊपर मेरा सेंटर स्टैंड भी लगा है, तो इसका नीचे का जो कन्वर्टर बॉक्स है और सेंटर स्टैंड है, कुछ भी यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। बिल्कुल नीचे का हिस्सा, बेली का हिस्सा क्लियरली ऊपर से गुजर रहा है, बिल्कुल भी बम्पर को टच नहीं कर रहा है किसी भी सिचुएशन में। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन है। स्पेक शीट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पेक शीट और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है, तो हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं। बार बार करके क्लोज व्यू स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये कितना बेहतरीन है। बम्पर के ऊपर से जब ये गुजर रहा है तब इसका बेली रीजन जो है ये सेंटर स्टैंड लगा हुआ है, फिर भी कितना ऊपर है ये कभी भी टच नहीं करता है। इतने ऊंचे स्पीड ब्रेकर जहाँ पे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स टच करता है, डीप स्कर छोड़ जाता है, वैसे ऊंचा बम्पर के ऊपर भी ये आसानी से गुजर जाता है नॉर्मल स्पीड में। तो हम आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये एक बैड पैच है जहाँ पे रास्ता पूरी तरीके से उखड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द व्हीकल नहीं चलता है, अवॉइड करके चलता है इस पैच को। तो हम इसके ऊपर से भी सुजुकी जिक्सा 250 को चला के दिखाएंगे कि इसका बेली जो है ये स्क्रब नहीं होता है, ये ग्राउंड को टच नहीं करता है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना बेहतरीन है। अब देख सकते हैं कितना गहरा गड्ढा है ये, पर इसके ऊपर से जब सुजुकी जिक्सा 250 चलता है तो कोई भी स्क्रैचिंग का, स्क्रबिंग का या बेली टच का कोई भी इशू नहीं आता है। ग्राउंड से इसका बेली रीजन बहुत ही ऊपर रहता है, क्लियरली ऊपर रहता है, और ये प्रूफ होता है कि ये सुजुकी जिक्सा 250 जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी रोड कंडीशन के लिए बेस्ट सूटेड है और इस व्हीकल में ग्राउंड क्लियरेंस की कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।